जनपद आगरा में 2013 में मनकामेश्वर मंदिर प्रबंधन द्वारा रामलीला कमेटी के अध्यक्ष समेत 8 लोगों पर मंदिर के सोने के आभूषण और नकदी लूटने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अपर जिला जज ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। जनपद आगरा में 2013 में मनकामेश्वर मंदिर प्रशासन द्वारा रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विधायक जगन प्रसाद गर्ग समेत 8 लोगों को आरोपी बनाते हुए मंदिर के आभूषण व नकदी लूटने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें लंबी सुनवाई के दौरान 10 साल बाद सभी बनाए गए आरोपियों को दोषी न मानते हुए अदालत ने बरी कर दिया है। 2013 में लिखे गए मुकदमे में रामलीला कमेटी के मंत्री राम प्रकाश अग्रवाल, उपमंत्री संजय तिवारी, ब्राह्मण सभा के सुरेश शर्मा, राम मित्र शर्मा, निखिल शर्मा, रामाशीष शर्मा और बसंतकांत शर्मा को आरोपी बनाया था। लंबी अवधि तक चले मुकदमे के दौरान स्वास्थ्य कारणों से जगन प्रसाद गर्ग, राम प्रकाश अग्रवाल, राम सुरेश शर्मा, राम मित्र शर्मा और निखिल शर्मा की मृत्यु हो गई। वर्तमान में संजय तिवारी, राम आशीष शर्मा और बसंतकांत शर्मा ही इस मुकदमे में अभियुक्त बचे हैं। अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर हरिदत्त शर्मा ने कड़ी पैरवी की और वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस मेहरा, अशोक गुप्ता और विजय अहुजा के सहयोग से इस मुकदमे में जीत हासिल की। हरिहरपुरी ने रामलीला कमेटी की ये जो बारादरी स्थान है मनकामेश्वर मंदिर से लगा हुआ, उस पर अवैध कब्जे का गलत प्रयास किया था, उसका रामलीला कमेटी ने विरोध किया था। विरोध करने पर इनको बुलाया गया था कि आप आ जाइए, समझौता पर बात कर लीजिए, नहीं माने तो फिर रामलीला कमेटी की तत्कालीन अध्यक्ष विधायक जगन प्रसाद गर्ग जी ने इसमें उनके द्वारा जो दरवाजे निकाले गए थे उनमें ताला लगा दिया गया था। जब ताला लगाया गया तो ये लोग आए तो इन्होंने कहा कि ठीक है साहब, हम समझौता करने को तैयार हैं, जो हमारा खर्चा हुआ है वो हमें दे दे कमेटी। एक वैल्यूअर लगाने की बात हुई तो ये तय हुआ कि तब तक ठीक है, जो ताला लगाया गया उसकी एक एक चाबी दोनों पक्षों को दे दी जाए, जो वैल्यूअर पैसा लगाता है वो उनको दे दिया जाएगा और ये अपना कब्जा छोड़ देंगे हरिहरपुर, ये यहाँ से गलत जो इन्होंने किया है ये तय हुआ। लेकिन कुछ समय उन्होंने व्यतीत किया और इस दौरान इनका मन बदला और उन्होंने जो है बजाय वो पैसा लेके कब्जा छोड़ने की पैसा नहीं लिया, उन्होंने कमेटी देने को तैयार थी कि भाई आप कुल मिला के मेरा अपना मानना ये है कि ये जो बजाय सीधा सीधा अगर कोई केस उनको करना भी था तो एक सिविल का मुकदमा करते, अगर उनका जगह पे कोई दावा है, उनके पास कोई कागज़ है तो वो दिखाएं, कोर्ट में पेश करें, अगर वो कागज़ होते तो वो ज़रूर सिविल में जाते। उनके पास इस तरीके का कोई कागज़ नहीं था और उन्होंने रामलीला कमेटी को दबाव में लेने के लिए एक झूठा मुकदमा लगाया, जिसमें यह आरोप लगा दिया कि साहब रामलीला कमेटी के पदाधिकारी वहाँ से बाबा मनकामेश्वरनाथ के सोने चांदी के आभूषण पोशाक के लूट के ले गए, जिनकी कीमत लाखों रुपए में थी। अब आप बरी हो चुके हैं आरोपों जी, मैं आपको बरी कर दिया, आगे आप इसमें कुछ करना चाहेंगे? निश्चित तौर पे हम रामलीला कमेटी के शीर्ष पदाधिकारियों से सलाह करेंगे और जैसा सभी की राय बनेगी, हमारे यहाँ एक सामूहिक निर्णय होता है, रामलीला कमेटी के जो पदाधिकारी जैसा राय बनेगी उस हिसाब से आगे का निर्णय लेंगे। आज से करीब 10 वर्ष पूर्व मनकामेश्वर के महंत प्रशासन हरिहरपुरी ने रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ एक मुकदमा दायर कराया था और वो इस बात का था कि ये लोग आकर के उन्होंने लूट की और बाबा के सोने और चांदी के मुकुट आभूषण मटर माला आदि को और उनके पोशाकों को लूट करके ले गए। इसके अलावा उन्हें ये भी लिखाया कि साहब जीने वगैरह को तोड़ा, तो वो मुकदमा जो था न्यायालय के आदेश से धारा 395, 427, 452 में दर्ज हुआ। उसमें 8 लोग नामजद थे, जिसमें कि सर्वप्रथम नाम जगन प्रसाद गर्ग जी का था जो उस वक्त विधायक थे और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष थे। इसके अलावा उसमें रामलीला कमेटी के अन्य पदाधिकारी भी थे। न्यायालय ने इन सबको जो उसने FIR कराई उसमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दी, बाद में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल हुई, उस पर एज ए कंप्लेंट ट्रीट करते हुए उन्हें हरिहरपुरी ने अपनी गवाही कराई और उसके बाद इन 8 लोगों को तलब किया न्यायालय ने। इन सबको तलब करने के बाद इनका ट्रायल हुआ और इसमें एविडेंस हुई। सफाई पक्ष की तरफ से इसमें योगेंद्र उपाध्याय जो उस वक्त विधायक थे और आजकल कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी गवाही हमने सफाई पक्ष में कराई, क्योंकि जिस दिन की यह घटना बताते हैं उस दिन वहाँ आगरा के प्रबुद्ध जनों की एक मीटिंग इस बात के लिए थी कि हरिहरपुरी
ने जो कब्जा कर लिया है बारादरी के ऊपर छत पर, उसको वहाँ से हटवाया जाए, क्योंकि बहुत एक जन आक्रोश था आगरा की जनता में इनके इस कृत्य के लिए। और वो उस मीटिंग में ना आकर के, और बजाय इसके कि अपना पक्ष रखते, बाद में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जो कि नेक्स्ट डे सारे पेपरों में छपा, और उसमें उन्होंने कहा कि हम तो लाला कोकामल के जो वारिसान थे उनके कहने से जीर्णोद्धार करा रहे थे। अंत में ये भी तय हुआ कि साहब इसमें 5 लाख रुपए का तकरीबन खर्च आया है, और ये 5 लाख रुपए दे दिए जाएं तो ये अपना कब्जा जो उन्होंने ताला डाल रखा था वहाँ से हटा लेंगे। लेकिन और उसी वक्त एक नया ताला मंगवा करके वहाँ ताला लगाया गया, एक चाबी इनको दी गई और एक चाबी श्री जगन प्रसाद जी के पास रखी गई। लेकिन अंत में इसका फैसला नहीं हो पाया, ये अपनी बात से हट गए और ये रिपोर्ट इन्होंने कराई। यहाँ न्यायालय में विचारण के दौरान एविडेंस हुई, और एविडेंस के बाद 3 लोग जो बचे थे, 5 लोगों की मृत्यु हो गई इस 10 साल में, केवल 3 लोग बचे थे, संजय तिवारी, राम आशीष शर्मा और बसंत कांत शर्मा, इनको कल न्यायालय ने बरी कर दिया। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।